एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। एक और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ गया हूं कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। क्या है दोस्तों, पूरी अपडेट देखिएगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर के एग्जाम 13 अगस्त से पहले पहले करवाने हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कहाँ की अपडेट है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस बड़ी अपडेट को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पूरी अपडेट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले देख लीजिए, हिंदुस्तान से ये न्यूज़ आ रही है और आप देख सकते हैं मंडे मई 31 मई 2021 रात को 11:57 PM पर ये अपडेट आई है। वो देखिए, पूरी अपडेट आप तक मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप टाइटल पर देख चुके होंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई गई है। तो ये देख लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटीज की अपडेट आ रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। परीक्षा प्रणाली OMR पर आधारित होगी दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें और एक ही यानी सभी सब्जेक्ट का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न और OMR पर आधारित OMR शीट होती है उसके अकॉर्डिंग आप करा पाएंगे। एग्जाम सूत्रों के अनुसार 3 कुलपति की कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाएं। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा मौखिक परीक्षाओं को आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन करवाया जाएगा। विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा कराए प्रोन्नत किया जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है, इस अपडेट को शेयर जरूर कीजिएगा। लखनऊ में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए अपडेट लागू होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।